ॐ या कुन्देन्दुतुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैषदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर सदैव ज्ञान के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहें। आज मैं जिस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ, बसंत पंचमी पर यह कार्यक्रम होगा। बसंत पंचमी का जो पर्व है वह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बसंत पंचमी इस बार माघ शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन गुरुवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सिद्धि योग एवं बालावकरण रहेगा उस दिन। 30 जनवरी 2020 को इस बार बसंत पंचमी का यह महान पर्व आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि यह बसंत पंचमी का जो दिन है इसका अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माँ सरस्वती का पूजन इस दिन किया जाता है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। तो जितने भी लोग कला के क्षेत्र में अपने जीवन में अपने नाम का परचम लहराना चाहते हैं, अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो बिना बेहतर वाणी के आप अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या फिर जो सफलताएं आपको मिल सकती है आपके जीवन काल में उन सफलताओं से कई बार अपने वाणी के कारण आप वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि विशेष करके विद्यार्थी जो कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई करते हुए उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं जिनकी उनके अंदर जिज्ञासा होती है या जिसकी चाहत होती है। अब इस बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उपासना करके अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी बारे में मैं आप सभी को आज जानकारी प्रदान करूँगा। सर्वप्रथम आपको बता दूँ कि माँ सरस्वती का जो पूजन है वह बसंत पंचमी यानी कि गुरुवार के दिन प्रातःकाल प्रारंभ होगा। विशेष करके विद्यार्थी यानी कि अलग अलग पाठशाला या फिर स्कूल विद्यार्थियों के लिए जहाँ भी गुरुकुल है वहाँ पे माँ सरस्वती का विधिवत उस दिन पूजन किया जाता है। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक हाथ में धारण किए हुए माँ सरस्वती का विशेष पूजन का उस दिन बड़ा ही अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि माँ सरस्वती का पूजन उस दिन करें तो क्या करने की आवश्यकता है। सफ़ेद या फिर पीला वस्त्र धारण करें। विद्यार्थी विशेष करके जिनकी जिनका जो जिज्ञासा है या फिर जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है उनके लिए सफ़ेद या फिर पीले वस्त्र धारण करें और पीला आसन लेकर माँ सरस्वती की तस्वीर सुंदर अपने घर में या फिर विद्यालय में लगाएं और सुंदर आसन लगाकर और एक घी का दीपक जलाएं और उसके पश्चात माँ सरस्वती का पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद पीला मिष्ठान या फिर सफ़ेद मिठाई के साथ साथ खीर का भोग भी लगाया जा सकता है। श्रद्धा पूर्वक भोग अर्पण करें और भोग अर्पण करने के बाद माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, हमारे जीवन में विद्या से संबंधित जो बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को आप दूर करें। और उसके बाद पूजन करने के बाद जो बच्चे छोटे हैं उनके माता पिता पूजन करें और इनका भोग अर्पण करने के बाद बच्चों को चांदी के चम्मच से उस खीर को खिलाएं, उससे जीवन में आ रही विद्या से संबंधित समस्त बाधाएं दूर होंगी। दूसरा जो प्रयोग है वह क्या करना है उसके लिए आपको ध्यान रखने की बातें जो है वह ये है कि माँ सरस्वती के समक्ष पूजन करने के बाद शहद का भोग अर्पण करना है, यानी कि मधु का भोग माँ सरस्वती को अर्पण करें। और जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं जिनकी वाणी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है या बहुत सारे लोगों को बोलने में समस्याएं आती है, उनके माता पिता को क्या करना चाहिए,
कि माँ सरस्वती के समक्ष पंचोपचार पूजन करके शहद का भोग अर्पण करें, वह भी शहद चांदी का कटोरी अगर है तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं है तो स्टील के कटोरी में भी रखा जा सकता है। माता जी को भोग अर्पण करें और भोग अर्पण करने के बाद प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, हमारे बच्चे के जीवन में जो वाणी से संबंधित समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को आप दूर करें, और शहद को अनामिका अंगुली से उठाएं और उठाने के बाद थोड़ा सा मिला लें हथेली पर, और हथेली पर मिलाने के बाद बच्चे के मुंह को खुलवाकर और जिह्वा पर यानी उसके जबान पर एम लिखना है आपको। एम अगर आपने लिख दिया माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए तो वहाँ पे उनको वाणी से संबंधित बाधाएं जो आ रही है उसका बड़ा ही लाभ मिलने वाला है, और उससे बहुत सारी छुटकाराएं प्राप्त करके और शुद्ध वाणी यानी कि शुद्ध उच्चारण करने में काफ़ी हद तक बच्चे कामयाब होंगे। इसके अलावा और भी उपाय हैं जिनको करके और अपने जीवन में जो भी लोग कला के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी यह उपाय काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। अब यहाँ पे जो लोग अपने ज्ञान के क्षेत्र में हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको जो लाभ उसका मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं रहा है, तो माँ सरस्वती के पूजन के दिन उनको सुंदर स्नान ध्यान करके पीला या फिर सफ़ेद वस्त्र धारण करके और आसन पर बैठकर एक दीपक यानी कि घी का दीपक बनाकर और जला लें। माँ सरस्वती के का एक छोटा सा मंत्र जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जप करना है, कम से कम 3 माला जप करें और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए पूरी तरह से अपने आप को कनेक्ट करना है, यानी पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस मंत्र का जप करने की आवश्यकता रहेगी आपको। वह मंत्र है ओम ऐम ह्रीम। मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ऐम ह्रीम। इसी मंत्र का आप श्रद्धापूर्वक 3 माला जप करें और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे ज्ञान की देवी, हमारे जीवन में आ रही समस्त बाधाओं जो मैं अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ उसमें आप हमें पूर्णतः आशीर्वाद प्रदान करें, और विश्वास रखिए माँ सरस्वती की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर बहुत बार अथक प्रयास करने के बाद भी उनको याद नहीं रह पाता है, याद करेंगे फिर लिखने की बारी आएगी तो भूल जाएंगे। जिनका एग्जाम में बेहतर नंबर नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए? उन बच्चों के हाथ से उनके माता पिता को बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की चीज़ें यानी कि लेखनी पुस्तिका यानी कि कलम और लिखने का नोटबुक वगैरह, या फिर धार्मिक ग्रंथ, जो लोग ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं उनको धार्मिक ग्रंथ यानी कि धार्मिक पुस्तकों का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ज़रूरतमंद बच्चों को करना चाहिए। उसके साथ साथ में किसी विद्यालय में भी जाकर आप दान कर सकते हैं। उसके अलावा किसी ब्राह्मण देवता को आप धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण से संबंधित कोई भी पुस्तक आप दान करें, उससे जीवन में आ रही विद्याओं से संबंधित जो समस्याएँ हैं उससे काफ़ी हद तक आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। तो ये कुछ सटीक टोटके रहे आपके जीवन में प्रयोग करके और अपने जीवन में ज्ञान से विद्या से संबंधित आ रही बाधाओं को काफ़ी हद तक दूर करने में आप कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढने में आप नाकाम हैं, या फिर आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कमेंट में अगर कोई आपका प्रश्न है तो उसको आप लिखिए, उसके समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।